तो पुण्य पूजा घर को सजीव बनाने के लिए है। घर के अंदर की जगह जीवंत होनी चाहिए। और अब यह पाया गया है कि यह हवा में और सतहों पर मौजूद कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को भी मारती है। यह इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है इन्फेक्शंस और ऐसी चीजों को दूर रखने का। संस्कृति में जिस कमरे में आप रहते हैं उसकी बनावट और आकार पर पूरा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उस कमरे की बनावट और आकार एक तरह से अगर वो बहुत हवादार नहीं भी है, जब मैं कहता हूं बहुत हवादार तो उसका मतलब है दोनों तरफ से दो दीवारें खुली हैं और इसमें लगभग ऐसा महसूस होता है जैसे आप बाहर हैं। तब ये अलग बात है, ज्यादातर घर ऐसे नहीं बने हैं। तो अलग अलग तरह की बनावटें और आकार अलग अलग तरह की ऊर्जा संरचनाएं बनाती हैं। ये ऊर्जा संरचनाएं अगर ये बहुत तीव्र हो जाएं, तो ये आपकी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को तय कर सकती हैं, जो उसमें या तो सहायक हो सकती हैं या एक रुकावट बन सकती हैं, जैसा आप होना चाहें। तो कुछ खास चीजें जैसे कि चंदन, भारत में एक चीज है जिसे सांभरानी कहते हैं, जो कि एक शक्तिशाली चीज है जिसका उपयोग तब भी किया जाता है जब लोग बीमार होते हैं। पहली चीज वो ये करते हैं कि अब ये पाया गया है कि ये हवा में और सतहों पर मौजूद कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को भी मारती है। तो खास तौर से जब घर में कोई आदमी बीमार हो, हर जगह सांभरानी जलाएं। This has a powerful impact on the atmosphere. इसका वातावरण पर एक जबरदस्त प्रभाव होता है। ये बस सुगंध की वजह से नहीं है, ये एक अलग तरह की चीज है जो हवा को शुद्ध करती है। ये वातावरण को ज्यादा जीवंत महसूस कराती है। बुनियादी तौर पर जो भी संरचनाएं हैं, ये अंदर को बाहर जैसा बनाती है। घर में बस हल्की सी सांभरानी आपको अंदर होने के बावजूद भी बाहर जैसा महसूस करवाएगी, क्योंकि ये एक अनिर्मित जगहें हैं। खासतौर से जब परिवार में कोई मृत्यु हुई हो, सांभरानी को 11 से 12 दिनों तक जलाया जाता है, क्योंकि वो हवा को पूरी तरह से साफ कर देना चाहते हैं। धूप जलाने का एक प्रभाव होता है, पर इसे जरूरत से ज्यादा मत कीजिए। आप समझ के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, पर इन दिनों धूप केमिकल चीजों से बनाई जा रही है। अच्छा होगा कि आप वो चीजें ना जलाएं। ये बहुत बहुत जरूरी है। आपकी सड़कों पर, इंडस्ट्री में, कारखानों में, आप जहां काम कर रहे हैं, कहीं भी, हर जगह वैसे भी बहुत केमिकल्स हैं। कम से कम अपने घर के अंदर केमिकल्स से बनी धूप मत जलाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि 70-80% जो धूप आज बाजार में उपलब्ध है केमिकल है। जलाने से पहले इसे चेक जरूर करें। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद जगहों पर अगर आप केमिकल जलाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्राकृतिक राल का तेल या दूसरे ऐसे पौधों से बने तेल और चीजों की बनी हुई होनी चाहिए। तो ये फर्क ला सकती है, हल्का सा फर्क। अगर आपको इस तरह का अंतर चाहिए तो ये निश्चित रूप से मददगार हैं। तो आमतौर पर योग संस्कृति में, योग विज्ञान में, हम जीवन को 5 मूलभूत तत्वों के मिश्रण के रूप में देखते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनमें से अग्नि इस जीवन को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस जीवन के होने में अग्नि को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बस यही एक चीज नहीं है, सभी 5 जरूरी हैं,
पर जब कुछ चीजों को दूर रखने की बात आती है तो अग्नि हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक उसका हिस्सा है कि अपने जीवन में हर दिन आपको तेल का एक दिया जलाकर उसकी उपस्थिति में कुछ समय तक रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को दूर करेगा या आपके सिस्टम में बहुत सी चीजों को शुद्ध करेगा। ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है इन्फेक्शंस और ऐसी चीजों को दूर रखने का। अगर ये हवा से फैलने वाले हैं, खासकर अगर ये हवा से फैलने वाले हैं, तो आपके आसपास अग्नि का होना मदद करता है। किसी तरह का एक दिया आपके आसपास कहीं आपके नजदीक जलता हुआ होना चाहिए। दिस विल डू वंडर्स टू यू, प्लीज एक्सपेरिमेंट एंड सी। ये आपके लिए अद्भुत चीजें करेगा, ये प्रयोग करके देखिए। जब आप सोते हैं, अगर आप अपने कमरे में एक सुरक्षित जगह ढूंढें और वहाँ एक छोटा सा दिया जला दें, आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत फर्क लाएगा। बस उस अग्नि की उपस्थिति में रहना एक बहुत बड़ा अंतर लाता है। योग विज्ञान इसे साफ तौर पर स्थापित करता है और हम इसे अपने अनुभव से जानते हैं कि दिए के रूप में अग्नि का एक छोटा सा हिस्सा आपके आसपास जलते रहना आप देखेंगे, खास तौर पर जब आप फिजिकली स्वस्थ ना हो, तो इसका होना बहुत बहुत जरूरी है। पुण्य का मतलब आपको पता है? जिसे पुण्य और पाप कहा जाता है, दुर्भाग्यवश इन चीजों को एक समय तक बड़ी गलत तरह से समझा गया है। पुण्य पाप मतलब उस तरह के कार्य, वो काम जो आपको नीचे ले जाएं, वो काम जो आपके अंदर जीवन को और ज्यादा जीवंत बना दें, या वैसे काम जो आपके जीवन को जड़ता की ओर ले जाएं। So the punya puja is to enliven the house. The space in the house should become alive. तो पुण्य पूजा घर को सजीव बनाने के लिए है। घर के अंदर की जगह जीवंत होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में ऐसे रह रहे हैं कि हर पल आप अपने भीतर प्रेम और उजाले से भरे हुए हैं, तब किसी पुण्य पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज आपने ऐसे घर बनाए हैं जो इतने बड़े हैं, बस उनमें रहकर उन्हें जीवंत बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपका बस एक कमरे का घर होता और आप उसमें अपार प्रेम और आनंद के साथ रहते, तो आप उसे आसानी से बड़ा जीवंत बना सकते थे। पर आज आपके घर में 10-15 बंद कमरे हैं। किसी भी इंसान के लिए इसे जीवंत रखना बहुत कठिन है। अगर बीच बीच में आप इसे सजीव नहीं बनाते, तो धीरे धीरे घर के कुछ हिस्से ऐसे हो जाएंगे कि आपको वहां जाने पर ताबूत जैसा महसूस होगा। तो एक अंतराल के बाद पुण्य पूजा कम से कम साल में एक बार इसे प्रकाशित कर देगी, यानी आपके आसपास की हर जगह जीवंत है और आपके लिए सहायक है। तो पुण्य पूजा एक तरह से आपके घर को प्रतिष्ठित करना है, पूरे घर को, उसके हर हिस्से को, ताकि there is some sense of aliveness and energy. उसमें जीवंतता और ऊर्जा हो।